हेलो एंड वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं टुडेज, जहां आपको आपका होता है फिल्मी दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। KGF 2 को लेकर चल रही है नई अफवाहों से यश हुए परेशान। कन्नड़ा फिल्म मेकर प्रशांत नील ने जब KGF बनाई थी, तब शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस फिल्म पर देश भर में जमकर धन बरसेगा। ये कन्नड़ा की बाहुबली साबित हुई। इसे हिंदी समेत कई सारी भाषाओं में डब कर सिनेमाज में उतारा गया। ये पहली कन्नड़ा फिल्म होगी जिसने 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कारोबार किया। इसने 2 नेशनल अवार्ड भी जीते। इसके नायक यश नए एंग्री यंग मैन के तौर पर उभरे और KGF चैप्टर 1 को शानदार रिस्पांस मिलने के बाद इसके दूसरे चैप्टर के लिए दर्शकों का जो उत्साह है वो दोगुना हो चुका है। ऐसे में फिल्म का दूसरा भाग बनना तय है, या बनना तय क्या, बनना शुरू हो गया। शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, रिलीज डेट सामने आ चुकी है और पिछले कुछ हफ्ते से इस फिल्म को लेकर मीडिया में भी चर्चाएं हैं। ये फिल्म सिनेमाज के बंद होने के कारण सीधे OTT पर रिलीज़ हो सकती है, लेकिन अब कन्नड़ा फिल्मों के जाने माने अभिनेता यश ने अपनी आने वाली फिल्म KGF के दूसरे भाग के OTT पर रिलीज़ होने को लेकर जो चर्चा है उस पर विराम लगा दिया है। खबरों के मुताबिक यश ने खुद सामने आकर ये कहा है कि उनकी ये फिल्म सिनेमाज में ही रिलीज़ होगी। OTT पर इस बड़ी फिल्म को रिलीज़ करके वो अपने फैंस को निराश नहीं करना चाहते। फिल्म के मुख्य अभिनेता यश ने ये भी कहा कि KGF चैप्टर 2 के OTT पर रिलीज़ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा, इस पूरी फिल्म को एक बड़े पर्दे पर बेहतर एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया गया है। यश ने आगे ये कहा कि मेरे जो फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं प्रशांत नील, और मुझे पता है कि इस फिल्म के फैंस को इस फिल्म से क्या आशाएं हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें पहली फिल्म की तरह ये फिल्म भी सिनेमाज में देखने को मिले और पहली फिल्म से भी ज़्यादा एक्शन और कुछ बड़े बड़े सीन्स जो हैं वो इस फिल्म में देखने को मिले। मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, कभी नहीं। और KGF चैप्टर 2 की फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर तेज़ी से काम चल रहा है। KGF चैप्टर 2 के नायक तो यश हैं, इसमें संजय दत्त और रवीना टंडन भी अहम किरदार निभाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। यश के साथ इस फिल्म में संजय दत्त खलनायक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और ये फिल्म जो है 23 अक्टूबर को सिनेमाज में रिलीज होगी। तो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा फैंस हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।